देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना माँ गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए को पीडीए हटाता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। आप न केवल जनता के लिए किए हुए काम रोक दिए, लेकिन बड़े बड़े काम भी रोक दिए। इसी क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी थी, हवाई पट्टी पर कभी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। ये सड़कें जितनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, हॉट विंग्स की और चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई एम्बुलेंस समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई 100 नंबर गाड़ी समाजवादियों की देन है। ये जो बिजली आ भी रही है और जितने सब स्टेशन बने हैं वो समाजवादियों की देन है। यहाँ CSC को अपग्रेड करना, CSC में सुविधाएं देना समाजवादियों की देन है। कन्नौज जैसी जगह पर बड़े बड़े मंडी बनाना, परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, डेयरी का प्लांट लगाना और किसानों को सही तरीके का बीज मिल जाए उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाना और सुविधाएं दे करके आलू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, जिससे आलू का काश्तकार, आलू का किसान को भी लाभ हो। जनता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। आप न केवल जनता के लिए किए हुए काम रोक दिए, लेकिन बड़े बड़े काम भी रोक दिए। इसी क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी थी, हवाई पट्टी पर कभी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। ये सड़कें जितनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, हॉट विंग्स की और चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई एम्बुलेंस समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई 100 नंबर गाड़ी समाजवादियों की देन है। ये जो बिजली आ भी रही है और जितने सब स्टेशन बने हैं वो समाजवादियों की देन है। यहाँ CSC को अपग्रेड करना, CSC में सुविधाएं देना समाजवादियों की देन है। कन्नौज जैसी जगह पर बड़े बड़े मंडी बनाना, परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, डेयरी का प्लांट लगाना और किसानों को सही तरीके का बीज मिल जाए उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाना और सुविधाएं दे करके आलू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, जिससे आलू का काश्तकार, आलू का किसान को भी लाभ हो। देखिए इस बार वो बाउंड्री के बाहर हैं, उनका चेहरा बता रहा है कि वो हार गए हैं, हार नहीं गए, हार चुके हैं। और जनता उनसे हिसाब किताब मांग रही है कि बताओ रसूलाबाद में क्या काम किया है। रसूलाबाद की जनता उनसे हिसाब किताब मांग रही है कि बताओ काम उन्होंने क्या किया, और काम नहीं अगर उन्होंने किया ना बता पाए तो जनता इस बार उन्हें खारिज कर देगी। घर और गढ़ की बात चल रही है कि घर और गढ़ की लड़ाई है, सपा का गढ़ है लेकिन सुब्रत पाठक का वो घर है। मेरे पत्रकार साथी, रसूलाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है न मेरा घर है न उनका घर है। कन्नौज उनका घर है,
लेकिन हम समाजवादियों का घर लोहिया जी के जमाने का है, और जो क्षेत्र विधुना है वो हमारा घर है, बीजेपी का घर नहीं रहा। याद कीजिए विधुना क्षेत्र, और जो भरतना का क्षेत्र आया वो इटावा का है, जो इटावा का क्षेत्र और यह का क्षेत्र है वो हमारा घर है। तो सोचिए यहाँ न मेरा घर है न उनका घर है रसूलाबाद, इटावा और यह हमारा घर रहा, और फिर हमने तो कन्नौज को अपना घर माना। कन्नौज की एक एक जनता जानती है कि उन्होंने घर की तरह संभाला और संवारा। ये तो दुश्मनी हो सकता है जो घर को बर्बाद कर दे, घर को संवारने वाला, घर को सुंदर बनाने वाला, घर को और विकास से जोड़ने वाला अपना घर मानेगा, या वो जो घर की हर चीज को खराब कर दे वो अपना घर माना जाएगा। इसलिए पत्रकार साहब, ईवीएम चलो के मतदान के बाद क्या लहर दिखाई पड़ रही, किस तरह बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। सर बीजेपी कहती है 400 पार, 145 किसको छोड़ रही है? ये 400 पार नहीं, 400 हार है, और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है, और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है। कानपुर देहात की एक रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो चेहरे से चेहरा हटाना पड़ गया उनको, और आपके बगल में उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था। हम सब लोग उसके दुख में पहुंचे थे, परिवार की मदद के लिए पहुंचे थे। क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे उस परिवार से कि सरकारी नौकरी देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, क्या दिए? तो सोचो अस्तित्व तो किसका खतरे में है। उनका जो माला पहन रहे हैं या उनका? और हम तो ये कहेंगे कि सोचो बीजेपी के लोग सबको अपमानित करते थे। राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी कितने बड़े नेता है बीजेपी के, बीजेपी प्रत्याशी का इतने बड़े नेता हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी वो प्रधानमंत्री बनने का नाम प्रस्तावित हुआ था, और आज उन्हीं को माला में नहीं रहने दे रहे हैं। होर्डिंग से सब नेता गायब है, तो जो नेता गायब है होर्डिंग से उनका अस्तित्व तो खतरे में है, कि जनता के साथ जो खड़े हैं उनका अस्तित्व तो खतरे में है। पहले फेज के मतदान के बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि अगर गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस जो अल्पसंख्यक है उनको बहुसंख्यकों के अधिकार दे देगी, इनके बच्चे ज्यादा है उनको आपका अधिकार छीन के दे देगी, क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? ये रुझान है हार के, और पहलवान जो कुश्ती में हारने लगता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये हार की डर की वजह से कुछ भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा मतदान के लिए सावधान हो जाएं और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करें।